नहीं रोएगी नहीं, हम नहीं गाएंगे, मैं सुनी की ला रहा है, रोएगी नहीं प्लीज। आज ना मैं सच में बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, और जब से मैं उठी हूँ ना तब से मैं बस सारा गुस्सा हस्बैंड के ऊपर उतार रही हूँ। नहीं उतारना चाहिए, लेकिन मैं इनके अलावा कहीं और उतार भी नहीं सकती। कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, और किसी से मैं दिल की बात कह भी नहीं सकती, और कोई मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। मुझे बुरा लगता है इन पे गुस्सा उतारने पे, पढ़ाई मैं इनको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी। सुबह से मैं मतलब सुबह से भी दोपहर के 3:10 बज रहे हैं, जब से उठी हूँ ना, जब से उठी तब से इतना गुस्सा मैं इनसे की। और ये देखे स्माइल, शक्ल देख के पता चल रहा है बहुत बहुत गुस्सा के। अभी भी मैं ना इन पे चिल्ला ही रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे टेंशन हो रखा है। और लंच में मेरा ये पपीता है, ये लंबा लंबा काट दिए थे, फिर मैं छोटा छोटा पीस की हूँ। और 3:20 में मुझे निकलना है, 3:14 भी हो गया, देखिए कैमरा स्टार्ट कर दिए तो 6 मिनट में मैं जितना खा पाऊंगी वो खाऊंगी, बाद बाकी या तो बच्चे खा लेंगे या तो आने के बाद मैं देखूंगी खाना है क्या नहीं खाना है। खाना खा लिया ना? मैं नहीं खाई। लंच में बना है चावल दाल आलू गोभी की सब्जी, मैं ही बनाई थी लंच। नाश्ता ये बना दिए थे, कपड़े वगैरह पीछे आप देख रहे हैं तो हस्बैंड भी धो दिए मशीन में, और झाड़ू पोछा मैं कर दी थी, जितना मैं कर सकती कर दी, क्योंकि मुझे ना बहुत टेंशन हो गया है। अभी ना टेंशन हो जाता है, मतलब मैं क्या करती ना, प्रॉब्लम के बजाय मैं सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। लेकिन इंसान हो यार, कभी ना कभी टेंशन हो जाता है। हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत मतलब ये ना चेस्ट पेन वापस से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बारिश इधर कंटिन्यू हो रही है। और कुछ मेरी भी गलती है ना, आपसे ना मैं बहुत खाई हूँ, लाइफ स्टाइल बहुत खराब कर रखी थी, बीच में अपनी मर्जी के हिसाब से चल रही थी, तो सजा भगवान को देना था वो दे दिए। पर क्या करूँ, जिंदगी में इतने सारे रंग है ना, तो सारे रंग के मजे तो मैं लूंगी ही ना, क्यों मैं बेरंग वाली जिंदगी जी? क्या मुझे हक नहीं है रंगों भरी जिंदगी जीने की? इतने सारे चीजें हैं दुनिया में खाने के लिए, मैं एक चटोरी जबानी की हूँ, मुझे चटपटा चीजें इतने पसंद, क्या मैं नहीं खा सकती? मुझे हक नहीं बनता है क्या मैं बस यही सब खा के रहूं? लेकिन देखिए मैं क्या खा रही हूँ। जो ए, रोना नहीं, रोना नहीं, सॉरी बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे ध्यान रखूंगा। ए, ए, रोएगी नहीं, हम नहीं गाएंगे, मैं सुनी की ला रहा है, रोएगी नहीं प्लीज। क्या बात मम्मा? सॉरी बाबा, हम ध्यान रखेंगे, बोल तो रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं प्लीज माफ करते, अब से ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैंने छोड़ दिया था इसके वजह से, अब ध्यान रखूंगा मैं, ओके? हाँ ठीक है, अब ध्यान रखेंगे पक्का, रोज हम तुम्हारा केयर करेंगे, ठीक है? 3:20 हो गया, अब जाने के लिए थोड़ा सा खा लो, हम नहीं, खाली पेट अच्छा नहीं लगेगा, नहीं। प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लो, नहीं खिला रहा मेरे से, थोड़ा सा हम खिला देते हैं, नहीं 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 खिला रहे ना, हम खिला देते हैं। नहीं रोते, चलो अब हम प्रॉमिस करते हैं ना, हम ध्यान रखेंगे, ओके? नहीं रोना, चलिए क्लास को जाना है। ए, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, हाँ रेनकोट ले लो, निकलते निकलते बारिश से न रुक जाए, ऐसे ही होता है, रेनकोट पहना देता है और जब हम लोग पहन लेते हैं तो बारिश रुक जाता है, और जब हम लोग बिना रेनकोट पहने निकलते हैं तो बारिश होना ही होना है भिगाने के लिए। बारिश तो रुक गई, रेनकोट पहनने का कोई मतलब नहीं हुआ, हमेशा ऐसे ही होता है, रेनकोट पहनते हैं तो बारिश नहीं होती है और नहीं पहनते तो बारिश हो जाती है। अब रेनकोट को भी झेलो, गर्मी लग रही है। हो गया क्लास, हस्बैंड आया है मुझे लेने के लिए, और ये बैग में डाल रहा है रेनकोट, बताइए तो रेनकोट का कोई यूजेस नहीं है, बस ऐसे ढोने के लिए था, और मुझे ना एक्स्ट्रा कुछ भी ढोना पसंद बिल्कुल नहीं है। बैग में लेती हूँ सिर्फ लैपटॉप के लिए लेती हूँ, गिम्बल के लिए लेती हूँ, अदरवाइज मुझे ना कंधे में कोई भी पर्स बैग लेना पसंद नहीं है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और थैला लेके हस्बैंड आया है क्योंकि इनको लेना है सब्जी। फाइनली टमाटर का भाव कम हो गया, इधर 30-10 रुपया कमाएंगे, 5-10 रुपया 1.5 रुपये के जी हस्बैंड जी को बैगन बहुत पसंद है।
बड़ा छोटा गड्ढी हो गया नहीं छोटा गड्ढी हो गया ये बड़ा बोला मिर्ची बोला धनिया पर बोला ले ले हाँ ले लीजिए ना खीरा ले लीजिए इनका धनिया मिर्ची अदरक लहसुन बोले धनिया मिर्ची अदरक आपने नोटिस किया ये थैली पूरी भरी पड़ी है ना सबसे ऊपर एप्पल है नहीं सबसे पहले हमने क्या शॉपिंग किया था क्या लिया था टमाटर उस बेचारे का हाल क्या हो रहा है पता टमाटर सबसे नीचे है उसके ऊपर बीट गाजर लौकी ओहो माय गॉड नीचे टमाटर है पूरा हमको लग रहा है चटनी बन गया ये टमाटर का हस्बैंड सब्जी रखने के लिए फ्रिज में क्योंकि मैं ना आज पूरा मैं क्या ही बताऊं अजीब सा मूड कर रहा है कुछ करने को मन नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं किया अंदर से ना शरीर अजीब सा फील कर रहा है और कोई पपीता नहीं खाया नहीं तुमने पपीता का क्या कटिंग किया देखो ये क्या कर दिया देखिए पपीता का ये है बीट गाजर का जूस जो दिखती के लिए बना रहा हूँ आज खाना भी नहीं खाई है सिर्फ पपाया खा के है उसके लिए अब हेल्दी चीजें मुझे करनी पड़ेगी जो कि मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था जिसके वजह से हेल्थ थोड़ी बिगड़ रही है एक हफ्ते से अब मुझे केयर करना पड़ेगा मैं समझ गया हूँ सॉरी यार पहले मुझे ना हस्बैंड को बोलना पड़ता था कि नीम पत्ता तुलसी पत्ता लेकर के आइए हालांकि वही जूस हमेशा बना देते थे लेकिन इस बार पहली बार वो खुद से नीम पत्ता और तुलसी पत्ता लेकर के आए हैं गिलोय जूस बनाने के लिए क्योंकि गिलोय और कच्चा हल्दी इसमें मिक्स होगा तो क्या है ना कि नीम पत्ता अभी भी है लेकिन वो लगभग सूख गया है तो सूखा हुआ नीम पत्ता से थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा नहीं इसलिए वो ताजा पत्ता खुद से लेके आया तो मैं ये चीज नोटिस की हूँ कि सब चीज के लिए मुझे बोलना पड़ता था लेकिन अब ये चीज खुद से कर रहे हैं तो ये आज बनाना चाह रहे थे दोपहर में लेकिन दोपहर में मैं मना कर दी कि नहीं ये ना खाली पेट का किया जाता है क्योंकि मिक्सी का जार ये बनाने के लिए ही गए थे दोपहर 12 बजे क्योंकि जब तक दुकान नहीं खुलेगा तब तक वो जाएंगे नहीं और बाद बाकी टाइम तो सुबह 7 बजे जाना रात को लेट नाइट आना तब तक वो दुकान ना बंद हो जाता है पूरा ग्लास भरती जूस जूस अरे इतना टॉप तक भर दिया है गिर जाएगा ये पूरा सारे इसमें डाल दिया और भी बचा सब है इसी में देखो सुबह मैं जूस बना के जाऊंगा तुम्हारा गिलाय और हल्दी वाला जूस वो मैं बना दूंगा ड्राई फ्रूट्स तुमको दे दूंगा दीप्ति ये खा लो पर सुबह तुम्हें वो भी खा लेना पड़ेगा तो फिर ठीक है चलेगा डन ओके अब से ख्याल रखने का जिम्मेदारी मेरी है जो मैंने छोड़ दिया था अब मैं पूरा ख्याल रखूंगा बट हाँ फॉलो इसको करना है खुद को आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं फिर कल मिलते हैं आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं ऐसे फिंगर आउट करके नहीं करते मेरा दांत पूरा हो गया जूस का कलर ये देखिए पूरा दांत रेड रेड हो चुका है उसका जूस के कलर से तो बाय बाय आप सभी अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर